डिप्रेशन ये 21st सेंचुरी का प्लेग है, ऐसा बोला जाता है। जितनी जाने प्लेग ने ली है, प्लेग ये बीमारी थी, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा डिप्रेशन, यह जानलेवा बीमारी अभी हो सकती है, लोगों को हो रही है। तो इसके कौन से 8 लक्षण हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। ताइए आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। 8 जो लक्षण हैं, जो जिसमें आपको मालूम हो सकता है कि भाई अपने को डिप्रेशन है क्या, आपको खुद का असेसमेंट कर सकते हैं, तो 8 से शुरुआत करते हैं। तो 8वां जो है लक्षण, की हमेशा थकान लगना, बेड पे से उठने की इच्छा नहीं होना, हमेशा थकान लगना, डाउन लगना, बिस्तर से निकलने की इच्छा होती नहीं है, ऐसा लगता है उसको कि अपनी नींद हुई नहीं है और बहुत थकान लग जाती है, बिस्तर पे दिन भर लेटे रहेगा और उठेगा भी नहीं। तो ये हो गया 8। 7वां जो लक्षण है, खुद की स्वप्रतिमा मलिन हो जाना, मतलब सेल्फ इमेज, खुद को छोटा समझना, बहुत गलतियाँ की मैंने, मैंने बहुत नुकसान किया हुआ है, पुरानी सब गलतियाँ याद आती रहती है और कभी कभी फिर उसके वजह से खुदकुशी करने के भी विचार आते रहते हैं। फिर 6वां, याददाश्त कम हो जाती है और एकाग्रता कम हो जाती है, भुलक्कड़पना आता है, सारी सारी बातें ख्याल नहीं रहती है, सवेरे क्या खाया, कौन मिलने आया था, लोगों के नाम नहीं याद आना, या ऐसे मतलब जो रोज़ के काम के जो है नाम वगैरह वो याद नहीं आना, ऐसा उसको लगता है कि बहुत ही भुलक्कड़पन आ गया है। 5वां, नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद लगना, कभी किसी को नींद नहीं आती, मतलब बहुत लेट सोता है, या फिर जल्दी उठे सवेरे उठ जाता है, तो नींद का प्रॉब्लम है और पूरे दिन भर मतलब पूरे दिन बिस्तर पे लेटे रहने के बावजूद भी उसको एक तो जल्दी नींद आ जाएंगी या रात को नींद नहीं आएगी, और ऐसा लगता है कि दिन में भी लेटे रहने के बावजूद नींद हुई नहीं है। फिर 4, वेट चेंजेस, मतलब अपना वजन कम हो जाना, तो 5% से ज़्यादा यदि वजन बढ़ता है या 5% से ज़्यादा वजन कम हो जाता है तभी ये प्रॉब्लम है। तो एक तो वजन ज़्यादा बढ़ना या वजन कम होना, ये दोनों भी लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। फिर नंबर 3, कुछ भी करने में खुशी नहीं आती, कोई प्लेजर लगता ही नहीं कुछ भी काम करने में। पहले जो काम करने में प्लेजर लगता था, मज़ा आता था, खेलने में, कूदने में, लोगों से मिलने में, कोई शौक़ है, हॉबीज़ है, वो करने में, तो उसको भी मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि सब निरस है, कोई मज़ा नहीं, ना टीवी देखने का है, ना कोई शो देखने का है, ना कोई काम में मतलब लग जाना, ऐसा कुछ मज़ा नहीं आता उसको। नंबर 2, मूड ऊपर नीचे होता है, मूड स्विंग्स, मतलब कभी रोना आ जाएगा, हंसी तो बिल्कुल गायब ही हो जाती है, दुख दुख लगता है अंदर से, बहुत उदास, दुखी, रोना आना, कभी कभी अच्छा लग जाता है, मतलब उसको सुबह बहुत ही ख़राब लगता है, सुबह बहुत ही डिप्रेस लगता है, फिर धीरे धीरे जैसा दिन निकल जाता है वैसा थोड़ा 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 शाम तक उसको अच्छा लगने लगता है। तो ये मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। और नंबर 1 जो है, हेल्थ जो है, आरोग्य अपना, उसमें खराबी आती है, मतलब जैसा बॉडी एक से पूरे बदन में दर्द है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, सर दर्द हो रहा है, अपचन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उसके वजह से मतलब शरीर के अनेक अलग अलग लक्षण होते हैं। शारीरिक बीमारी, ऐसा लगता है कि शारीरिक बीमारी है। कितने सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे, कितने सारे मेरे इतने साल के प्रैक्टिस में, कि वो बदन दर्द के लिए सिर्फ मेरे पास में आते हैं कि भाई बदन में दर्द हो रहा है, बॉडी एक्स एंड पेन्स है, किसका पेट में दर्द हो रहा है, मैं उनको एंटी डिप्रेशन दवाई देता हूँ और वो अच्छे हो जाते हैं। कितने सारे लोग हैं। अभी ये जो डिप्रेशन है, जिसके लक्षण अभी मैंने बताया, इसका करना क्या है? जैसा मैंने बताया कि 21वीं सदी का ये प्लेग है। अभी इसमें एक तो क्या है कि आप डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की सलाह ले सकते हैं और वहाँ एंटी डिप्रेशन दवाई चालू कर सकते हैं, अलग अलग तरह की नई 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 मेडिसिन अभी आई हुई है, वो कर सकते हैं। नंबर 2, यदि खुदकुशी करने की इच्छा हो रही है, कोई अटेम्प्ट किया हुआ है और खुदकुशी का अपने को बहुत डर है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करके उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं, ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि वो बार बार विचार आ रहे, खुदकुशी करने की हिस्ट्री है, तो उसको देना जरूरी है फिर ये, क्योंकि दवाई जो देते हैं उसको टाइम लगता है फ़ायदा दिखने के लिए, कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं फायदा दिखने के लिए। फिर बाकी उसको एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करना जरूरी है, ये व्यक्ति को, कि उसको उसके कोई शौक है, हॉबीज़ है, उसमें उसने टाइम पास करना चाहिए, लोगों को मिलना जुलना है, जानबूझ के लोगों के पास में जाना, मिलना, मूवी देखने के लिए जाना, ड्रामा देखने के लिए जाना, कोई ऑर्केस्ट्रा है, कोई डांस है, कोई रिसेप्शन में, मतलब बाहर आना जाना, सोशली इन्वॉल्व होना ज़्यादा चीज़ में। हॉबीज़ जो थी पहले
इच्छा भी नहीं, तो भी हॉबी में फिर से इंटरेस्ट लेना, हॉबी चालू कर देना, कोई शौक जो होगा उसमें मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने के लिए उस टाइम निकाल लिया, मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा होता है। वैसे ही अलग अलग मानसोपचार ट्रीटमेंट जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, CBT REBT, उससे बहुत फ़ायदा होता है। सेल्फ हिप्नोसिस, सम्मोहन उपचार से फ़ायदा होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इसके इलाज हैं, वो यदि करते हैं और जल्दी शुरुआत करते हैं तो डिप्रेशन बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाता है। तो मैंने आपको बताया 8 कौन से ऐसे लक्षण हैं डिप्रेशन के, कि जो जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आगे बहुत बड़ी बीमारी होने से हम उसको टाल के व्यक्ति को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।